नमस्कार, कार्यक्रम तारे आंखते ने देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 15 जून को मिथुन राशि में बनेगी चौकड़ी। एक खास रिसर्च प्रोग्राम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। इस समय अगर हम देखते हैं तो मिथुन राशि में उच्च के राहु, प्रेरित मंगल और अपनी ही राशि के बुध चल रहे हैं, लेकिन 15 जून को संक्रांति के बाद सूर्य के राशि परिवर्तन से सूर्य भी मिल जाएंगे इन तीन ग्रहों के साथ और बन जाएगी मिथुन राशि में चौकड़ी। आइए बात करते हैं कि ये चौकड़ी किन के लिए अच्छी है और किन के लिए होगी बुरी। हालांकि सूर्य बुध और मंगल दोनों के साथ ही शुभ माने जाते हैं, यानी कि दोनों के ही मित्र माने जाते हैं, तो इन दोनों ग्रहों पर कोई असर नहीं हो पाएगा, ये बात क्लियर है। लेकिन राहु के साथ आने के कारण सूर्य को लग जाएगा ग्रहण और यह ग्रहण चलता रहेगा एक महीने तक, जब तक कि सूर्यदेव मिथुन से राशि परिवर्तन करके कर्क में नहीं चले जाते। ऐसी हालत में जिन लोगों का सूर्य पहले से ही वीक है या नीच का है या पीड़ित है, यानी कि जन्म कुंडली के मुताबिक जिनका सूर्य वृष, तुला, मकर या कुंभ राशि में है, तो उन लोगों को झेलना पड़ सकता है बहुत सा कष्ट। सावधान, सरकार की तरफ से आप हो सकते हैं पीड़ित, या फिर जो सरकारी अधिकारी हैं उनके खिलाफ हो सकती है कोई भी बड़ी साजिश, उनको फंसाने के लिए, उनको डिफेम करने के लिए, बदनाम करने के लिए। ऐसी हालत में जिनका भी सूर्य कमजोर है, नीच का है, उनके लिए बहुत जरूरी है सूर्य को जल दें और आदित्य हरिद्र स्तोत्र का पाठ करें। वैसे यह सबके लिए ही अनिवार्य है। जो लोग नेम फेम चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो लोग कॉन्फिडेंस चाहते हैं उनके लिए अति आवश्यक है। दोस्तों, इस चौकड़ी में से निकल जाएंगे मंगलदेव, यानी कि 21 जून को 6 दिन बाद ही, और चले जाएंगे कर्क राशि में, यानी कि अपनी नीच की राशि में। उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उसके बारे में हम बहुत जल्द बताएंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। और साथ ही आपको बता दें कि बुधदेव भी मिथुन राशि से निकलकर पहुंच जाएंगे कर्क राशि में मंगल के साथ, और मंगल से पहले ही बुध वहां पहुंचे होंगे 20 जून को राशि परिवर्तन करके। तो इस चौकड़ी से बाहर आकर 21 जून से लेकर 28 जून तक सूर्य और राहु दोनों अकेले रह जाएंगे। तो मिथुन राशि में यानी कि पूरी तरह से सूरज ग्रहण लगा होगा, और हमने जो सावधानियां आपको बताई हैं उनको करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि कुछ लोगों की निगाह की भी प्रॉब्लम आएगी, कुछ लोगों की हड्डियों की भी प्रॉब्लम आएगी, कुछ लोगों को रोग की भी प्रॉब्लम आएगी। और फिर जब 28 जून को शुक्र देव चले आएंगे मिथुन राशि में, तो यहाँ पर सूर्य और राहु के साथ आकर अस्त हो जाएंगे, अस्त करेंगे सूर्यदेव, राहु करेंगे पीड़ित, और तरह तरह की समस्याएं देनी शुरू कर देंगे। शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में भी हम बहुत जल्द बताएंगे आने वाले एपिसोड्स में, कि शुक्र के अस्त होने से सूर्य को तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन की। लेकिन सूर्य के साथ अस्त होने वाला और राहु के साथ पीड़ित होने वाला शुक्र महिलाओं और प्रेमिया को बहुत सी दिक्कतें देगा। फिलहाल दोस्तों, आज के लिए कुल मिलाकर इतना ही। सूर्य का राशि परिवर्तन कई तरह की समस्याएं लेकर आ सकता है, बेहतरी इसी में है कि जिनका सूर्य नीच का है या पीड़ित है या कमजोर है, वे एक बार अपनी कुंडली जरूर चेक करवा सकते हैं, ताकि एक महीने के अंतराल में आने वाली समस्याओं से बच सकें। फिलहाल आप हमको अगर मिलना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, और हमारा एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर सुखमंदर लुधियाना इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आप बहुत से लेटेस्ट अपडेट्स और ग्रहण की जानकारी निश्चित रूप में हासिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे न्यूज चैनल वॉइस ऑफ एशियंस को देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम, सिटी नेम, कंट्री नेम हमें भेज सकते हैं। और जाने से पहले यही कहेंगे कि बहुत से दर्शक हमसे मिलना चाहते हैं, कहते हैं कि आकर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, या फिर आपसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इन सभी के लिए सबसे पहले आप समय लेकर फिर आकर या टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। हमारा पता नोट कर लीजिए, एस्ट्रोलॉजर सुखमंदर, 30G श्राबा नगर, लुधियाना, पंजाब, इंडिया। फोन नंबर 9417020533 और 9872620533। जाने से पहले
रोज वाली बात, सबसे बड़ा दर्जा माँ का, जब भी घर से जाते हैं माँ के चरण छू के जाइए, पिताजी का आशीर्वाद लेके जाइए, गुरुजनों के बताए रास्ते पे चलिए, झूठ मत बोलिए, गालियां मत दीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए, तकदीर बहुत अच्छी हो जाएगी, बेटियों को कोख में मत मारिएगा, हर घर के बाहर एक पेड़ जरूर लगाइएगा, नशों से परहेज करिएगा और कमाई का 10वां हिस्सा निकालकर नेक कामों में खर्च कीजिएगा, आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। कल फिर मिलेंगे, नमस्कार।